Good morning everyone. Welcome to my online study English for UKG class. आज हम use of on करेंगे. Use of on का meaning क्या होता है? के ऊपर या पर. ठीक है? On का meaning होता है के ऊपर या पर. अब जैसे एक object है और एक object को दूसरे object के ऊपर रखा जाता है तो वो object क्या क्या कहेंगे हम उसको? यानी कि जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन. ओके स्टूडेंट, आया समझ में? क्लियर इट? सो लेट बी स्टार्टेड. अब ए कप इज डैश द टेबल. अब देखो पिक्चर में आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, और कप है, इसके ऊपर कप पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर. तो ये यूज करेंगे द